चंडीगढ़ में आज से होगा ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप का आगाज। 25 टीमें लेंगी हिस्सा। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से स्थगित हो रहा ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट का पहला मैच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46 में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 29 नवंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में अंडर 17 आयु वर्ग की कुल 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46 और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 42 में हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 में इस बार टूर्नामेंट के मुकाबले नहीं होंगे। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो सकता है, इसलिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 को इस बार वेन्यू लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इस बार ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप में विजेता टीम को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में उप विजेता रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 75,000 रुपए इनाम मिलेगा। खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले आयु निर्धारण परीक्षण से गुजरना पड़ा। टूर्नामेंट के खिलाड़ियों की आयु संबंधी जांच के लिए यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है। वही खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं जिनका पंजीकरण ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हुआ है। गौरतलब है कि ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप देश का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसमें देश के चुनिंदा और शीर्ष फुटबॉल क्लब हिस्सा लेते हैं। शुरुआत में ये टूर्नामेंट अंडर 14 आयु वर्ग का था, लेकिन बाद में इसे अंडर 17 कर दिया गया। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से स्थगित हो रहा ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप आज से शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस टूर्नामेंट का पहला मैच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46 में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 29 नवंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट में अंडर 17 आयु वर्ग की कुल 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट का आयोजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46 और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 42 में हो रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 में इस बार टूर्नामेंट के मुकाबले नहीं होंगे। दरअसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो सकता है, इसलिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 7 को इस बार वेन्यू लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इस बार ऑल इंडिया यूटी एडमिनिस्ट्रेटर चैलेंज फुटबॉल कप में विजेता टीम को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में उप विजेता रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 75,000 रुपए इनाम मिलेगा। खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले आयु निर्धारण परीक्षण से गुजरना पड़ा। टूर्नामेंट के खिलाड़ियों की आयु संबंधी जांच के लिए यूटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई है।